अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूँ ज़रनक सिदवा, आपके सामने हाजिर रिकॉर्ड नए एपिसोड के साथ। आज हम आपको 3 मज़ेदार रेसिपीज़ बनाना सिखाएंगे। एक तो है स्लॉपी जोज, छोटे बंस होते हैं, उसके अंदर कीमे का फिलिंग होता है और उसको हम मज़ेदार बनाएंगे उसके सॉस को डिपिट के सॉसेज ऐड करके, ठीक है। पहले हम बनाएंगे पिस्ताचियो चॉकलेट बर्फी, वेरी वेरी डिफरेंट वे ऑफ मेकिंग इट। इसको कुछ पकाना वकाना है ही नहीं आपने, और बस फॉर्म कर देना है। और हम आज बनाएंगे ओट्स की खिचड़ी सब्जियों के साथ, यानी दलिया की खिचड़ी। देखिएगा, सीखिएगा, बनाइएगा, ठीक है जी। ओके, सो मेरे पास यहाँ है पिस्ते, आधा कप जितने आपने पिस्ते लेने हैं, ठीक है। चॉप अप कर दीजिएगा, ये हम डालते हैं अंदर, थोड़ा सा हम बचाते हैं फॉर द टॉप। उसमें फिर हम डालते हैं चीनी, चीनी है मेरे पास यहाँ 100 ग्राम, ठीक है। फिर उसके साथ हम डालेंगे 250 ग्राम मिल्क पाउडर, कोई सा भी अच्छी कंपनी का मिल्क पाउडर आप ले लीजिएगा। ओके, फिर हम इसमें डालेंगे 100 ग्राम जितना कंडेंस मिल्क, पूरा टिन नहीं है, 100 ग्राम। अब मिक्स करेंगे, पिस्ते हैं, ड्राई मिल्क पाउडर है, कंडेंस मिल्क है और चीनी है, और जो चॉकलेट है। आप सोचेंगे मैंने चॉकलेट क्यों नहीं मिक्स की, इसलिए कि चॉकलेट को हम पिघलाएंगे और इससे हम जो बॉल्स बनाएंगे उसको चॉकलेट में डिप करेंगे, या फिर आप किसी पायरेक्स का डिश लें उसके अंदर ये सेट कर दीजिए, उसके ऊपर चॉकलेट डाल दीजिए, फिर पीसेस में काटिए, वो भी आप कर सकते हैं। अच्छा, मुझे कंडेंस मिल्क की थोड़ी ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपको लगे ना कि ये बाइंड नहीं हो रहा है तो आप थोड़ा सा कंडेंस मिल्क डालिए, 100 ग्राम जितना हमने लिखा है, लेकिन बाज वक्त जल्दी से जज्ब हो जाता है, बाज वक्त कम। ये देखें, मैंने हर चीज़ अच्छी तरह मिक्स की है, बहुत सारी चीनी नहीं लीजिएगा, कंडेंस मिल्क वैसे ही काफ़ी मीठा है। अच्छा, डू वी हैव एनिक्स का गिफ्ट का सवाल आज? अच्छा जी, आप यहाँ क्या पूछूँ मैं, ओट्स को हम उर्दू में क्या कहते हैं, ठीक है। मसाला एफडी लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, एनआईसी कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। डीलक्स ब्लेंडर एंड ग्राइंडर है इनिक्स की तरफ से। अब थोड़ा सा हम लेंगे कंडेंस मिल्क, ज़्यादा थोड़ा सा और लेंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि ये देखें, ये छोटे छोटे पेटी फोर केसेस हैं इस तरह के, ठीक है। अगर आपके पास हो तो आप क्या करिएगा, इसके बॉल्स बना दीजिएगा और उसमें रख दीजिएगा ऐसे ही। अगर आपको चॉकलेट में कोट करना है तो फिर आप क्या करेंगे, तो फिर आप चॉकलेट को पिघला के उसके ऊपर डालेंगे थोड़ी सी, या फिर आप पूरी की पूरी चॉकलेट में इसको कोट करेंगे। अगर आपको ऐसे टुकड़ों में काटना है तो फिर आप उसको किसी डिश में निकालिएगा और फिर उसके ऊपर पूरी पिघली हुई चॉकलेट डालिएगा, फिर पीसेज में काटिएगा। सो मैं ये लेके आई थी दिखाने के लिए, एनी वे यू कैन यूज़ किस तरह भी आपको चाहिए। अब मैंने ये मिक्स किया है लेकिन ये क्रम्बली है, अभी ये सेट नहीं होगा, ये फॉर्म नहीं होगा, तो इसके लिए फिर हम थोड़ा सा और कंडेंस मिल्क डालेंगे, थोड़ा सा डाल के देखिएगा ऐसे नहीं हो के। और मैंने थोड़ा स्पिल कर दिया है, तो इसको हम टक्स के किचन पेपर से साफ़ कर देंगे। इम्पोर्टेड फ्रॉम इंडोनेशिया और 100% वर्जिन वुड पल्प से, यानी वुड से के पल्प से बनाया जाता है, नॉन रिसाइकल्ड है, इसमें कोई ब्लीचिंग एजेंट नहीं है, फूड के लिए भी और स्किन के लिए भी ये सेफ़ है। और घर लाइएगा, ज़रूर आप इस्तेमाल करिएगा, टिश्यूज़ भी हैं, किचन पेपर भी है, और काउंटर साफ़ करना हो, हाथ धो के साफ़ करने हो, वट एवर यू कैन यूज़ इट इन। अच्छा जी, ये थोड़ा सा आपने और डाला और इसको आपने मिक्स किया। आप सोचेंगे अवन मैंने क्यों आज खोला हुआ, इसलिए कि जब हम चीज़ डालेंगे स्टॉपी जोज में उसको चीज़ को पिघलाने के लिए, बस, अदरवाइज सब कुछ चूल्हे पर बनेगा। डिपिट की वाइड वैरायटी ऑफ सॉसेज आप देख सकते हैं हमारे शो पे, स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं स्टॉपी जोज का सॉस जो हम बनाएंगे उसमें। कंडेंस मिल्क में इसलिए थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ, आई डोंट वॉन्ट के बहुत ज़्यादा नरम हो जाए ये। बर्फ़ी के बॉल्स बना सकते हैं छोटे छोटे, या फिर आप मेरी तरह सेट करिएगा डिश में। कंडेंस मिल्क आप लोग लिख लीजिएगा, ऑलमोस्ट हाफ अ टिन टू बी यूज्ड ना, क्योंकि ये देखें ये ड्राई मिल्क पाउडर जो है ना उसमें जाके जज्ब बहुत ज़्यादा कर रहा है। अब आप इसको चख लीजिएगा, अगर आपको लगे कि मीठा इनफ नहीं है तो थोड़ी चीनी डाल सकते हैं, लेकिन कंडेंस मिल्क बहुत मीठा होता है, नो नीड टू एड एनीथिंग। कुछ लोगों को मिठाई बहुत ही मीठी अच्छी लगती है, मुझे बहुत मीठी नहीं अच्छी लगती है, थोड़ी सी कम होनी चाहिए। सही है,
पिस्ते जितने भी आपको अंदर डालने हो, ग्रीन कलर डालना वो भी आप कर सकते हैं। अच्छी तरह मिक्स करिएगा, ये मैं डाल देती हूँ। ठीक है, बस ये डन। आप लोग प्लीज़ पूरा टिन लिख लीजिएगा, बिकॉज देखने को जाएं तो मैंने ऑलमोस्ट पूरा टिन ही डाला है। नाउ कैसे पता चलेगा, ये देखें इस तरह का क्रमली सा है। अगर आपको इसको बॉल शेप बनाने हैं आप बना सकते हैं, थोड़ा सा और सिर्फ इसमें कंडेंस मिल जाएगा। आई एम गोइंग टू सेट इट इन माई डिश हियर। तो ऐसे करते हैं, ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक से आएंगे तो डिश निकाल के उसमें सेट पूरा कर देंगे, चॉकलेट पिघलाएंगे, ऊपर से चॉकलेट डाल देंगे, सेट होने देंगे, फिर पीसेस में आप काटेंगे। कहीं मत जाइएगा, मेरे साथ रहिए, देखते रहिए फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी। और अगर आपको जीतना है इनिक्स की तरफ से गिफ्ट तो एक्सक्यूज़ मी, जल्दी जल्दी 888 पे बताइए ओट्स को हम उर्दू में क्या कहते हैं। मसाला एवरी लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा, SMS करिएगा। ठीक है, स्टे ट्यून्ड। जी वेलकम बैक। देखिए मैंने इसको पूरा सेट यहाँ नीचे कर दिया है, आप पनीर भी यूज़ कर सकते हैं, खोया भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बस अच्छी तरह मिक्स करना है। पिस्ते थे, ड्राई मिल्क पाउडर था, कंडेंस मिल्क था और चीनी थी। बस अच्छी तरह मिक्स करके रख दीजिएगा, उसके बाद आप ऊपर चॉकलेट ड्रिजल करिएगा। ये कम है चॉकलेट, मैंने और रखी हुई है पिघलाने के लिए, और इसको आप इससे इस तरह स्प्रेड कर दीजिएगा, जितना हो सके स्प्रेड इट आउट। फिर और जो चॉकलेट पिघल रही है वो हम डालेंगे ऊपर, इसलिए कि आई वांट के पूरा कवर हो। कल का शो आप लोगों ने देखा होगा, जो थैंक्स गिविंग स्पेशल था जिसमें US काउंसिल जनरल आए थे हमारे शो पे, उनकी फरमाइश पे मैंने ये दो पाकिस्तानी रेसिपीज़ उनको सिखाई थी, और उन्होंने अपनी जो आती थी उनको रेसिपीज़ वो उन्होंने बनाई थी। अतिया हैं कराची से, उनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो जी, कैसी है रनखा? मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच, आप फरमाइए। जी मैं भी ठीक हूँ, और माशाल्लाह से बहुत अच्छा शो करती है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपके प्रोग्राम में तो कॉल तो मुश्किल से ही लगती है। जी हाँ, सब ट्राई कर रहे होते हैं ना, लाइंस हमारी बिजी होती हैं। बहुत दिनों के बाद आज मेरी कॉल लगी है। थैंक यू, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। थैंक यू जी। मैं आपके सवाल का जवाब दूँ, ओट्स को जई या जौ कहते हैं उर्दू में। किसको? ओट्स को क्या कहते हैं? जौ या जई? नहीं, सोचें, दोबारा सोचें। ठीक है, अभी मैंने बताया भी था, ओट्स को ये नहीं कहते हैं, जौ या जई? जई। ठीक है, हमने आपका सवाल जवाब तो नोट कर दिया है, लेकिन ये सही जवाब नहीं है। ठीक है, सोचिए दोबारा और लिखिए, फिर SMS कर लीजिएगा। ये पूरा आपने कवर कर देना है, जो भी चॉकलेट है उसको पिघला के ऊपर से डाल देना है। फिर ये जब सेट हो जाएगी तब आप इसको काटेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये क्या बना है। ठीक है, बनाइएगा ज़रूर। हरा रंग करना हो तो हरा रंग भी डाल दीजिएगा, एनी वेज यू लाइक, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। अब जो थोड़े से मैंने पिस्ते बचा के रखे थे वो आप ऊपर इधर उधर डाल दीजिए थोड़े थोड़े। ठीक है जी, दिस इज़ डन, इट्स रेडी। इतना आसान था, पकाना भी नहीं था, चूल्हा भी नहीं हमने जलाया। ये ऐसी सिंपल सिंपल इजी इजी मिठाइयाँ आप बनाना सीख लीजिए मुझसे। अच्छा, अगर आपको इसके बॉल्स ही बनाने हैं और डिप करना है चॉकलेट में, तो इसको ठंडा करिएगा बिल्कुल, और कंडेंस मिल्क थोड़ा ज़्यादा डालिएगा, 1.5 टिन तक कंडेंस मिल्क डालिएगा। जो नरम होगा तो आप उसको हाथ से कर सकेंगे, और पनीर या खोए का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ओके, दिस इज़ डन। अब हम आते हैं नेक्स्ट रेसिपी की तरफ, जिसमें है बीफ का कीमा है 250 ग्राम मेरे पास, छोटे बंस हैं, चीज़ है फ्रीज़र में,
और तुलसी के पत्ते हैं। फिर सॉस हम बनाएंगे, उसमें हम डालेंगे, वो मैं सॉस पहले बना लूँ यहाँ साथ साथ, वो हम कर लेते हैं। टक्स का जो किचन पेपर है उससे मैं हमेशा बर्तन वगैरह बोल्स वगैरह भी पोंछ लेती हूँ। ऑलवेज डू दैट बिफोर यू स्टार्ट। थोड़ा सा तेल डालेंगे, उसमें हम प्याज डालेंगे, लहसुन है, ओरिगैनो है, कीमा है, नमक है, थोड़ी सी चीनी है और तुलसी के पत्ते हैं, टमाटो पेस्ट है और हम डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्चें। उसके अलावा हम सॉसेस डालेंगे जो कि डिपिट का ये है टमाटो केचप और ये है चिली गार्लिक सॉस। ये दोनों सॉसेस जाएंगे, मज़ेदार सा तीखा सा ये सॉस बनेगा। हम स्लॉपी जोज़ बना रहे हैं। स्लॉपी जोज़ इज़ जस्ट अ नेम फॉर कीमा मसाले वाला सॉस के साथ पका हुआ बंस के अंदर। ये बंस हैं, उनको इस तरह आपने खोल देना है, उसके अंदर ये कीमा जाएगा, चीज़ जाएगा और ओवन में चला जाएगा। बस बहुत आसान है, ज़रूर ट्राई करिएगा और हमें फीडबैक दीजिएगा। ठीक है, प्याज को आपने सॉटे करना है, उसमें आपने लहसुन शामिल करना है और ये सारी चीज़ें जाएंगी। फिर कीमा वगैरह सब कुछ, बीफ का कीमा मैंने यूज़ किया, आप चिकन का कर लें, मटन का कर लें, वॉट एवर यू वॉन्ट टू यूज़। और स्लॉपी का मतलब होता है इधर उधर गिर रहा हो, तो कीमा है ना, ऑब्वियसली पैटी नहीं बनाया, इधर उधर गिरेगा ही है, थोड़ा सा मैसी होता है विद ऑल द चीज़ कमिंग आउट, बहुत मज़ेदार होता है, बच्चों को ऐसी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। काउंटर साफ़ करना हो, हाथ हो, ये जो टक्स के किचन पेपर और टिश्यूज़ हैं बेहतरीन हैं। प्याज को हल्का सा आपने सॉफ्टन करना है, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं हो जाए। और डिपिट के सॉसेस की तो क्या ही बात है, हम यूज़ करते आ रहे हैं, पहले भी हमने किए थे, अभी भी हम कर रहे हैं। और डिपिट इज़ पाकिस्तान ओनली कंपनी जिन्होंने 15 सॉसेज एट वन टाइम बनाए हैं, इंस्पायर्ड फ्रॉम डिफरेंट फ्लेवर्स एंड क्विजींस ऑफ द वर्ल्ड। और मेरा स्पाइसी स्वीट थाई चिली सॉस और स्मोकी बारबेक्यू सॉस वो बहुत ही मेरा फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है। और इसके अलावा विंटर में इन्होंने एक सी फूड रेंज के लिए सोया सॉस, ऑयस्टर सॉस, चिली सॉस वगैरह की भी रेंज निकाली हुई है, आप लाइएगा घर, इस्तेमाल करिएगा। स्पाइसी सॉसेज में इनके पास बफेलो सॉस है, हॉट सॉस है, टबैस्को सॉस है, पिस्ताचियो चॉकलेट बर्फ़ी, बहुत ही आसान थी, बनाइएगा, ट्राई करिएगा। मैंने तो इसमें हरा रंग भी नहीं डाला है लेकिन बहुत सारे पिस्ते डाले हैं, उसी से चॉप अप करके ही लाइट ग्रीन सा एक इफ़ेक्ट आ जाता है। इसी तरह बनाइएगा, ट्राई करिएगा, ठीक है। कौन? ज़ेबुनिसा है फैसलाबाद से जी। हेलो जी, अस्सलामुअलैकुम। हेलो जी, क्या हाल चाल है? मैं ठीक हूँ, आप आ रही हैं कि नहीं फैसलाबाद की कुकिंग क्लास में हमारे साथ, हमें मिलने? हाँ हाँ, मैं आ रही हूँ जनाब, मेरा प्रोग्राम है, मैं आ रही हूँ उनके प्रोग्राम में। आपने दे दिया नाम, रजिस्टर करा लिया आपने आपको? हाँ नहीं, आप मैं कॉल कर रही थी, उनकी दीदी जा रही थी कॉल करने का पे। कॉल नहीं जा रही? हाँ कॉल जा रही थी, आज उन्होंने पिक नहीं किया मेरा फोन। अच्छा ओके, ठीक है, ट्राई करिएगा, अभी तो थोड़े दिन है, 15 दिन है, 15 दिसंबर को हम नाजरीन आ रहे हैं फैसलाबाद अबारी एक्सप्रेस में। मैं मिलूंगी आपको इंशाल्लाह, जरूर आइए, नाम याद रखिएगा मेरा, जरूर आइए। मैंने आपके सवाल का जवाब देना था। जी 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 जी, दीजिए। ये पिछले 2-3 दिन मैंने अपना प्रोग्राम देखा था, शायद उसमें आपने ओट्स का दलिया पीस के, दलिये को पीस के तो उसकी डिश बनाई थी। नहीं नहीं, ओट्स, ओट्स को अंग्रेजी, ओट्स को उर्दू में क्या कहते हैं ये बस बताइए, उर्दू में क्या कहते हैं? दलिया ही, दलिया कहते हैं शायद। ओके ठीक है, नोट कर दिया है जवाब, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो जी नाजरीन, हमारा प्रोमो भी चल रहा है, हम सब आ रहे हैं आपसे मुलाकात करने, रेसिपीज सीखने, और अवारी एक्सप्रेस के भी शेफ्स होंगे, वो भी आपको सिखाएंगे। तो जल्दी जल्दी अपने आप को रजिस्टर कराइएगा, 3,000 रुपये की आई थिंक फ़ीस है, पूरा दिन आप हमारे साथ गुजारेंगे, टी भी है, लंच भी है, और उनके भी 3 शेफ्स हैं, हमारे भी 3 शेफ्स हैं। चलिए, ये हो गया प्याज, अब उसमें आपने लहसुन शामिल करना है और हम इसमें कीमा डालेंगे। थोड़ा सा हम ब्रेकअप कर देते हैं कीमे को, और कीमे को भी अच्छी तरह पहले ब्राउन कर देंगे, इसी में ब्रेकअप कर दीजिएगा वरना क्लंप हो जाता है, ऐसे जकड़ सा जाता है।
फिर हम इसमें सॉसेस डालेंगे, मिर्च मसाले डालेंगे, ये ओरिगैनो है, ये ओरिगैनो थोड़ा सा जाएगा। फिर इसमें हम थोड़ी सी चीनी शामिल करेंगे, बहुत थोड़ी सी, ठीक है, बैलेंस करेंगे स्पाइसेस को। और इसमें हम बहुत थोड़ा सा अगेन नमक डालेंगे, बिकॉज सॉसेस हैं, कुटी हुई लाल मिर्चें जाएंगी, जितना स्पाइसी आपको करना हो उसको मसालों के साथ भून लेते हैं ताकि कीमे में से कोई स्मेल वगैरह नहीं आए। बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें मैंने फूड डायरीज़ में प्लान की हैं इस अगले महीने यानी दिसंबर में, और फिर ऑफकोर्स जनवरी में भी, मैंने तो फरवरी तक के प्लान्स कर दिए हैं। तो आप ज़रूर हमारे साथ रहिएगा। पीर से जुमा हमारा शो होता है लाइव दोपहर में 1 से 2, और रात में 10:30 से 11:30 रिपीट होता है। हफ्ता इतवार यानी सैटरडे संडे को भी हमारा शो होता है दोपहर में 1 बजे, आप देख सकते हैं, वो रिपीट शो होता है, ठीक है। ये है टमाटो पेस्ट, थोड़ा सा ही जाएगा इसमें, इसलिए कि हमें इसमें टिपिट के सॉसेस डालने हैं। पहले हम डालेंगे टिपिट का टमाटो केचप, फिर हम डालेंगे चिली गार्लिक सॉस टिपिट का, और अच्छी तरह इसको पकने देंगे। कीमे को पकाना है, बीफ का कीमा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। ढांक देते हैं इसको और इसको हम पकने के लिए छोड़ देते हैं। ब्रेक का वक्त भी हुआ चाहता है, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए मसाला टीवी। जी वेलकम बैक। देखें सॉसेज टोमेटो पेस्ट था और डिपिट के सॉसेज से मज़ेदार सा बीफ का कीमा यहाँ रेडी हो गया है। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, हाथ बचा के, हाँ आपने एक डिश ले लेना है या कोई पायरेक्स का डिश ले लें या कोई भी कुछ भी ले लें, वॉट एवर यू हैव। थोड़े से तुलसी के पत्ते भी हम अंदर भी डाल देंगे, बिकॉज वी वॉन्ट के अच्छा सा एक टेस्ट आए उसमें। तोड़ के डाल दीजिएगा, अच्छी तरह धोइएगा, मिक्स कर दीजिएगा, ठीक है। अब हम एक एक बन लेंगे, हाथ ज़रा पोंछ लूँ टक से। ये जो बन्स हैं बहुत गर्म है अभी, लेकिन जस्ट बी केयरफुल एंड पुट, मैं इसलिए इसमें रखती हूँ ताकि अगर गिरे भी तो इधर गिरे। इतना आप कीमा रखिए बंद करें ऐसे, भी चीज़ भी रखना है हमने। फ्रेश तुलसी की क्या अच्छी खुशबू आ रही है। मैं चीज़ जब रखूँगी ना तो इसको हमें चीज़ को बस पिघलाने के लिए अवन में रखना है। 250 ग्राम कीमे से देखें कितने सारे बन जाएंगे। स्लॉपी हैं इसलिए यहाँ इधर उधर कीमा गिरेगा, इसलिए इसका नाम स्लॉपी जोजी है। इसी में फिर आप सर्व करिएगा, इसलिए मैं पायरेक्स का डिश लिया हुआ था कि आप इसमें रखें और ये कीमा फेंक नहीं दीजिएगा, इसको खा लीजिएगा या किसी चीज़ में इस्तेमाल कर लीजिएगा। अब थोड़ा थोड़ा चीज़ जाएगा, सो लाइक दिस, ये मोज़रेला चीज़ है, ठीक है। ग्रेट करके या पीसेस आप इस तरह, हर जगह चला गया नहीं, एक जगह नहीं गया, यहाँ बस। अब मैं इसको अवन में रख देती हूँ ताकि चीज़ पिघल जाए। और अवन में मैंने क्या किया है देखें, जो इसका रैक है उसको ऊपर किया है, ये ऊपर वाला सिर्फ मैंने खोला हुआ है। चीज़ पिघल जाएगा, निकाल देंगे, दैट्स इट, वरना ब्रेड बहुत हार्ड हो जाएगी। सही है, ये हो गया, इसको शिफ्ट कर दें यहाँ से। और अब हम भूनेंगे कुछ मसाला। नेक्स्ट रेसिपी पे आते हैं, सब्ज़ी की जो खिचड़ी है, ये सब्ज़ी की चावल के बगैर वाली खिचड़ी है, ओट्स यूज़ करेंगे। ये वाली फ्राइंग पैन रहती नहीं है, इस पे रखते हैं। टक्स पेपर जो है
किचन पेपर, उससे साफ करते रहिएगा अपने बर्तनों को, अपने काउंटर्स को। ओके, ड्राई चीज़ें क्या क्या हैं? हिरा है पिंडी से, हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक। जी फरमाइए। आपका शो बहुत अच्छा है, बहुत आपकी ड्रेसिंग बहुत अच्छी होती है। थैंक यू सो मच। और आपकी काफी रेसिपीज ट्राई करती हूँ। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और कुछ? आपका सवाल जी, आज का सवाल है कि ओट्स को उर्दू में क्या कहते हैं? दलिया। ओके ठीक है, नोट कर दिया है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, छोटी लाल मिर्चें, जीरा साबुत, धनिया साबुत, कोरिएंडर सीड्स और चने, ये चने ठीक है, इन सब चीज़ों को आपने हल्का सा भून लेना है। भून लेंगे फिर हम ग्राइंडर में डालेंगे, पीस लेंगे। अब मेरे पास यहाँ क्या है, मैं आपको दिखाऊँ। चने की दाल लीजिएगा, भिगो के रख दीजिएगा 2-3 घंटे या ओवरनाइट, मैं तो भिगो देती हूँ। फिर इस तरह की खड़ी खड़ी बॉयल कर दीजिएगा 10 मिनट। प्रेशर कुकर में की है, देखें इतनी सॉफ्ट हो गई है, लेकिन भिगो के रखना ज़रूरी है, इसका पानी भी रहेगा। और चावल की जगह हम क्या यूज़ करेंगे? ओट्स, ये ठीक है। अब जो जो लोगों ने अभी तक नहीं जवाब दिया है वो तो बता देंगे हमें कि क्या है ये और क्या चीज़ें जाएंगी इसमें। सब्ज़ी है इसमें, ठीक है, तो गाजर है और इसमें है जनाब कड़ी पत्ता है, लहसुन है, हल्दी है, मटर है, बीन्स है, लंबे लंबे बीन्स को काटे हुए हैं, नमक है, राई दाना है, मेथी है, ऊपर से सेव जाएगी, सेव निमको वाली, और तड़के में हम डालेंगे काजू। आप देखिएगा, बनाइएगा और ट्राई करिएगा। अगला हफ्ता सूप वीक है। जो जो लोग फूड डायरीज़ के फ़ैन्स हैं और देखते आ रहे हैं मुझे सालों साल से, मैं हर साल आइसक्रीम वीक करती हूँ, सूप वीक करती हूँ, फलां वीक, डिमका वीक, मुझे बहुत शौक है इस तरह वीक्स करने का, थोड़ा सा मुख्तलिफ हो जाता है शो पे। तो सूप्स हैं, सूप्स के अलावा मैं आपको ब्रेड स्टिक्स, ब्रेड्स वगैरह भी बनाना सिखाऊंगी, पाव बनाना सिखाऊंगी, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आयरिश ब्रेड है। देखिएगा, सीखिएगा, बनाइएगा, ट्राई करिएगा। मसालों की अच्छी सी खुशबू आएगी तो हम इनको ग्राइंडर में डाल के पीस लेंगे। और वो चीज़ पिघल गया कि नहीं वो देखते हैं। यस, बस इसको मैं निकाल देती हूँ, जैसे ही चीज़ पिघल जाए निकाल दीजिएगा। कीमा बना के भी आप रख सकते हैं, बच्चे आए घर स्कूल से या कहीं से बाहर से, एकदम से कुछ आपको चाहिए कि कुछ दे सकें, तो ऐसे करिएगा कि आप ओवन खोलिएगा, चीज़ ग्रिल कर दीजिएगा इसी तरह और रेडी। चलिए मैं लेती हूँ ब्रेक, ये तब तक भून रहे हैं हम और हम इसको ग्राइंड कर देंगे। आते हैं ब्रेक के बाद और आपको सिखाते हैं दाल और सब्जी के ओट्स के साथ खिचड़ी। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। ये मैं भी स्लॉपी जोस को ही देख रही थी कि इतना अच्छा लग रहा था स्क्रीन पे, चीज़ पिघला हुआ और इसी तरह स्लॉपी क्या मतलब होता है, इधर उधर बिखरा हुआ, तो फिर कीमा ऐसे ही बाहर निकलेगा, ठीक है। और आप मज़ेदार सा ट्राई करिएगा रेसिपी को। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट रेसिपी की तरफ, टक्स का जो किचन पेपर है, ऑलवेज़ यूज़ दैट टू वाइप माई डिशेज एंड पॉट्स एंड पैन्स, भी कचरा वचरा नहीं हो। थोड़ा सा घी लेंगे, मक्खन में कर लें, घी में कर लें, तेल में कर लें, वॉट एवर यू वॉन्ट, ठीक है। अच्छा, अब जो आपके सामने मसाला पिसा था वो ये है, आपको मैं बता दूं, छोटी लाल वाली मिर्चें मैंने ली थी, बटन रेड चिलीज, और मैंने उसके अंदर जीरा डाला था, धनिया डाला था और चने डाले थे, और उसमें मैंने हल्दी डालनी है, ठीक है। ये देखें हल्दी चली गई इसमें। अब जब ये घी पिघल जाएगा तो उसमें वो डालेंगे, 3-4 लहसुन के जवे डालेंगे उसमें, उसके बाद राई दाना है, मेथी दाना है। देखिए मेथी दाना जो है वो प्लीज़ कम इस्तेमाल करते हैं वरना खाना कड़वा हो जाता है। बीन्स हैं, मटर हैं, कड़ी पत्ते हैं, सेव बाद में ऊपर जाएगी, गाजर हैं और चने की दाल है ये बॉयल की हुई।
ठीक है जी, आपको समझ आ रहा है, बहुत ही आसान है, जब इट विल कम टुगेदर यू विल अंडरस्टैंड। जो दाल में पानी है जिसमें आपने बॉईल किया वो फेंकिएगा नहीं, इसी में हम पका लेंगे ओट्स को, बस मिक्स करना है सिर्फ, क्विक कुकिंग ओट्स हैं। तड़के में हम कड़ी पत्ता डालेंगे इन में और काजू हैं और उसको हम थोड़ा सा घी में तल देंगे। अच्छा जी, ये हो गया, तो आपने इसमें लहसुन शामिल करना है सबसे पहले। और लहसुन को थोड़ा सा भूनेंगे और इसमें फिर ये मसाला डाल देंगे जो अभी पिसा था हम, सब कुछ ठीक है, ऑल ऑफ इट। फिर इसमें राई दाना जाएगा और मेथी बहुत कम, जैसे मैंने पहले भी कहा था ये बहुत सारी मेथी है। थोड़ा सा मसाला इस तरह भून लीजिए, उसमें आप गाजर शामिल कर दीजिए। सब्जियों को पका के कोई भुरता नहीं बनाना है, बस मिक्स इन करनी है, स्टर फ्राई हो जाएंगी साथ साथ। ये फलियां हैं, आजकल तो सर्दियां हैं, बहुत अच्छी अच्छी सब्जियां आ रही हैं। मटर चले गए और आप मिक्स करिए इसको, भूनिए इसके साथ। बहुत थोड़ा सा पानी डालेंगे, मसाला ताज़ा ताज़ा हमने जो पिसा है, इसकी क्या अच्छी सी खुशबू आ रही है। इसमें ये दाल चली जाएगी, बॉईल की हुई दाल, चने की दाल है बॉईल की हुई है, इसी के पानी के साथ, और आप इसको पकने दीजिए। ठीक है जी, दाल है, सब्जी है, मसाले हैं, लहसुन है, इसमें हम नमक शामिल करेंगे। अब हम यहीं एक और चूल्हे पे थोड़ा सा घी करते हैं गरम, और जब ये पिघल जाएगा तो फिर इसमें हम कड़ी पत्ता डालेंगे और काजू डालेंगे। मीनवाइल यहाँ दाल को एक उबाल आए फिर मैं उसमें ओट्स यानी दलिया शामिल करूँगी। अभी भी वक्त है, अगर आपको जीतना है एनिक्स की तरफ से एक गिफ्ट हमारे शो के थ्रू, तो जल्दी जल्दी 888 पे आप हमें बताएंगे, बहुत सारे मैसेजेस कर दीजिएगा, SMS करिएगा, ठीक है। ये बताना है ओट्स को उर्दू में क्या कहते हैं, मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। अब तो मैंने जवाब भी बता दिया है, तो ऑब्वियसली फिर आप ट्राई करिए कौन जीतता है आज, बहुत सारे मैसेजेस कर दीजिएगा। दाल को एक उबाल आ जाएगा उसके बाद फिर मैं उसमें ये दलिया शामिल करके अच्छी तरह मिक्स कर दूंगी, एंड दैट्स इट, पकाना नहीं है कुछ भी। फिर तड़का डालेंगे डिश में निकाल के और ये सेव जाएगी इसके ऊपर, मज़ेदार सी एक रेसिपी रेडी हो जाएगी। वेजिटेरियन लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छी है, बहुत सारे मेरे वेजिटेरियन फैंस एंड व्यूअर्स हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, वो देखना चाहते हैं ऐसी रेसिपीज, उनके लिए ये है। कड़ी पत्ता एंड देन ज़रा क्रैकल हो जाए कड़ी पत्ता, फिर उसमें हम डालेंगे काजू। काजू आप थोड़े से चॉप करके अंदर भी डाल सकते हैं दाल में भी, अभी उबाल नहीं आया है। ब्रेक की तरफ चलें, ओके ठीक है, चलते हैं ब्रेक की तरफ, वी नीड टू चेंज आवर सिलेंडर, स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग फूड डायरीज। दाल, वेजिटेबल, ओट्स, मसाले के अज्जा, साबित लाल मिर्चें 2 से 3 अदद, जीरा एक खाने का चमचा, साबित जीरा एक खाने का चमचा, चने की दाल एक खाने का चमचा, हल्दी एक चाय का चमचा, खिचड़ी के लिए घी 2 खाने के चमचे, राई दाना एक खाने का चमचा, मेथी दाना एक चाय का चमचा, काजू एक खाने का चमचा, कुटा लहसुन 3 से 4 जवे, कड़ी पत्ते चंद अदद, कटी गाजर 1 अदद, चॉप ग्रीन बीन्स आधा कप, मटर आधा कप, ओट्स 2 कप, उबली अरहर की दाल आधा कप, तैयार मसाला हसबे ज़रूरत, नमक हसबे ज़ायका, घी एक खाने का चमचा, कड़ी पत्ते चंद अदद, साबित लाल मिर्च हसबे ज़रूरत, काजू हसबे ज़रूरत, सेव हसबे ज़रूरत। तरकीब, अरहर की दाल को उबाल लें कि वो नरम हो जाए, दाल का पानी अलग रख दें, उसके बाद पैन में साबित लाल मिर्चें, जीरा, साबित धनिया, चने की दाल और हल्दी शामिल करके 4 से 5 मिनट भून लें, फिर इन्हें पीस कर पाउडर बनाकर एक तरफ रख दें। उसके बाद घी गर्म करके इसमें राई दाना, मेथी दाना, काजू, लहसुन, साबित लाल मिर्चें और कड़ी पत्ते डालकर मिक्स करें, फिर गाजर, गर्म बीन्स और मटर शामिल करके सौते कर लें। अब इसमें ओट्स, अरहर की दाल और दाल का बचा हुआ पानी डाल दें, साथ ही तैयार मसाला और नमक शामिल करके 3 से 4 मिनट पकाएं और बोल में निकाल लें। तड़के के लिए पैन में घी गर्म करके कड़ी पत्ते और काजू डालकर फ्राई कर लें, फिर इसे ओट्स पर डालकर सेव भी शामिल करके सर्व करें।
سلوپی جوس اجزا بیف کا قیمہ 250 گرام چھوٹے بنس حسب ضرورت کدوکش موزریلا چیز آدھا کپ تلسی کے پتے مٹھی بھر سوس کے لیے تیل دو کھانے کے چمچے کٹا لہسن 3 جوے کٹی لال مرچ 1 کھانے کا چمچہ نمک 1 چائے کا چمچہ اوریگانو 1 چائے کا چمچہ چاپڈ پیاز 1 عدد چینی 1 چائے کا چمچہ ٹومیٹو پیوری یا پیسٹ 1 کپ کیچپ دو کھانے کے چمچے چلی گارلک سوس دو کھانے کے چمچے ترکیب تیل گرم کر کے پیاز سوتے کریں پھر اس میں لہسن نمک اور اوریگانو چینی کٹی لال مرچ اور تھوڑا پانی ملا کر پکائیں اب اس میں کیچپ چلی گارلک سوس اور ٹومیٹو پیوری یا پیسٹ ڈال کر اتنا پکائیں کہ گاڑھا ہو جائے اس کے بعد الگ پین میں تیل گرم کر کے قیمہ پکائیں پھر اس پر سوس ملا کر پکنے دیں کہ گاڑھا ہو جائے بنس کو ہلکا سا ٹوسٹ کر لیں اب بنس پر قیمہ ڈال کر اوپر موزریلا چیز چھڑکیں اور 3 سے 4 منٹ گرل کر لیں تلسی کے پتے ڈال کر سرو کریں پستاشیو چاکلیٹ برفی اجزا پستے آدھا کپ کھویا 250 گرام کنڈینس ملک 100 گرام کوکنگ چاکلیٹ 100 گرام کاسٹر شوگر 100 گرام ترکیب کھوئے کو ہاتھ سے کرمبل کریں پھر اس میں کاسٹر شوگر اور کنڈینس ملک ملا کر گوند لیں اس کے بعد پستے چاپ کر کے برفی کے ساتھ مکس کریں مکسچر کی 12 چھوٹی بالس بنا لیں اس کے بعد چاکلیٹ کو چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ کر پگھلائیں پھر ہر بال کو چاکلیٹ میں کوٹ کر کے ٹھنڈا کر کے سرو کریں دال ویجیٹیبل اوٹس مسالے کے اجزا ثابت لال مرچیں 2 سے 3 عدد زیرہ 1 کھانے کا چمچہ ثابت زیرہ 1 کھانے کا چمچہ چنے کی دال 1 کھانے کا چمچہ ہلدی 1 چائے کا چمچہ کھچڑی کے لیے گھی 2 کھانے کے چمچے رائی دانہ 1 کھانے کا چمچہ میتھی دانہ 1 چائے کا چمچہ کاجو 1 کھانے کا چمچہ کٹا لہسن 3 سے 4 جوے کڑی پتے چند عدد کٹی گاجر 1 عدد چاپ گرین بینس آدھا کپ مٹر آدھا کپ اوٹس 2 کپ ابلی ارہر کی دال آدھا کپ تیار مسالہ حسب ضرورت نمک حسب ذائقہ گھی 1 کھانے کا چمچہ کڑی پتے چند عدد ثابت لال مرچ حسب ضرورت کاجو حسب ضرورت سیو حسب ضرورت جی جی ویلکم بیک اچھا ٹھیک ہے یہ ہم نے دال کو ڈال دیا تھا بہت تھوڑا سا پانی تھا اسی کے ساتھ جو دال میں بوائل کرتے وقت میں نے پانی ڈالا تھا وہ اب یہ سبزیاں بھی ہو گئی ہیں آپ نے 2 کپ اس میں دلیا ڈالنا ہے یعنی اوٹس اور آپ اس کو مکس کریں گے بہت آسان ہے ہیلدی ہے سبزیاں ہیں دال ہے دلیا ہے اور کیا چاہیے ٹھیک ہے اور مسالہ پیس کے ڈالیے گا یہ دیکھیں گاڑھی ہوتی جائے گی جیسے ہی اس میں اوٹس مکس ہوں گے چاول کے بغیر کی مگر یہ اس کو کھچڑی کہتے ہیں سبزی اور دال کی کھچڑی اور جو تڑکا ہے گھی کے ساتھ ہم نے کیا کیا تھا یہاں کاجو ہیں اور کڑی پتے ہیں وہ دکھائیے گا بہت تھوڑا سا میں پانی اس میں شامل کرنا چاہتی ہوں تاکہ اوٹس اچھی طرح اس میں مل جائیں اور جو ہم نے پستاچیو چاکلیٹ کی برفی بنائی ہے وہ ریڈی ہے سلوپی جوز اوون میں سے نکل آئے تھے وہ ریڈی ہیں چیز ایسے ہی ڈالنا ہے گریٹ کر کے ایسے ہی ڈال دیجئے یہ دیکھیں اس کی کنسسٹنسی ایسی ہونی چاہیے ٹھیک ہے اس طرح کی اب ہم اس کو نکالیں گے ڈش میں پکانے کی ضرورت ہی نہیں دلیا کو زیادہ کچھ بھی آپ نے یہ آپ نے پہلے دال اور سبزی اور دلیا رکھا پھر اس کے اوپر یہ تڑکا جائے گا اور سیو اینڈ دین یو جسٹ سرو اٹ سائڈ ڈش آپ لوگ مانگتے ہیں ویجیٹیرین ریسیپیز مانگتے ہیں تو یہ ہے اب آپ کو ٹرائی کرنا ہے ضرور ٹھیک ہے اس کے اوپر یہ تڑکا جائے گا کڑی پتہ اینڈ کاجو تھوڑا سا گھی کے ساتھ ہم نے جو کیا تھا تڑکا بنایا تھا اس کا ٹھیک ہے یہ ہو گیا اب اس کے ساتھ ہم تھوڑی سی سیو شامل کریں گے آن دا سائڈز میں ڈال دیتی ہوں تاکہ سبزیاں چھپ نہ جائیں آپ دیکھ سکیں میں نے کیا بنایا ہے اب آپ نے یہ ساری ریسیپیز ٹرائی کرنی ہے ٹھیک ہے وہاں چلتے ہیں یہ ریسیپیز ضرور ٹرائی کریے گا اور فیڈ بیک دیجیے گا اور میسج پہ پڑھ لیتے ہیں کہ کیا ہے ردا کیا بنا رہی ہیں آج ردا بنا رہی ہیں آلو ترکاری پوری چنا ترکاری اور حلوہ تڑکے میں تڑکا جو ان کا شو ہے آدھے گھنٹے بعد دا نیکسٹ لائیو شو اور ونر ہے نبیہ فرام لاہور آئی ہوپ آپ نے اس ہفتے مجھے فالو کیا تھا میری ریسیپیز ٹرائی کریں گے ویکینڈ پہ جب بھی آپ کو ٹائم ملے ضرور ریسیپیز ٹرائی کریے گا اور مجھے فیڈ بیک دیجیے گا اس کے علاوہ میٹھے بھی یہ ضرور ٹرائی کریے گا ٹھیک ہے اور آج ہم نے ٹکس یوز کیا تھا دا ٹشو پیپرز اینڈ دا کچن رولز ویری نائس کوالٹی اور اس کے علاوہ ڈپٹ کے ساسز تھے جو ہم نے سلوپی جوز بنائے تھے تب اس میں ڈالے تھے تھینکس ٹو آر اسپانسرز ایز ویل اور آئی ہوپ آپ سوپ ویک میں میرا ساتھ دیں گے اگلا ہفتہ سوپ ویک ہے
पहले दिन ज़रूर देखिएगा, चिकन बीफ वेजिटेबल का स्टॉक यखनी कैसे बनाते हैं वो सिखाऊंगी, सूजी और उसके साथ मैदे के साथ रोटी कैसे बनाते हैं डबल रोटी वो सिखाऊंगी। तो देखिएगा सीखिएगा मेरे साथ रहिएगा। पीर से जुमा मंडे टू फ्राइडे 1 से 2 हम लाइव हैं और रात में 10:30 से 11:30 शो रिपीट होता है। तो चलिए अब दीजिए मुझे और टीम फूड डायरीज़ को इजाज़त, जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़।